Welcome. My name is Krunal Thakur and today we are going to discuss memorize the physical feature of India. Physical feature में अगर देखें तो हमारे इंडिया के तीन parts हैं, एक तो हिमालय है, गैंगेटिक प्लेन है and पेनिनसुलर इंडिया है. अभी हम देखेंगे इस वीडियो में पेनिनसुलर इंडिया को देखेंगे और पेनिनसुलर इंडिया अगर आप देखो तो बोर्ड पे सारा लिखा हुआ है. तो पेनिनसुलर इंडिया जो है वो हमारा ट्राइंगल, इसका शेप है इन्वर्टेड ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल, जिसका टॉप जो है वो कन्याकुमारी है और उसके बेस में एक तरफ अरावली है और दूसरी तरफ राजमहल हिल है. नाउ इसी सारे फीचर्स को हम याद करने की कोशिश करेंगे क्विकली. तो सबसे पहले आप अपने पास एटलस रखिए, आप एटलस में भी देख सकते हो. आपका जो एटलस होगा उसमें फिजिकल इंडिया का फीचर अगर निकालोगे तो फिजिकल फीचर मिलेगा पेनिनसुलर इंडिया का, उसका सेपरेट पेज होगा, उसको आप देख सकते हो इसके साथ साथ. और अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए वीडियो में, क्योंकि मैं याद कराने वाला हूँ आपको. सो लेट स्टार्ट फिजिकल फीचर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. सबसे पहले देखोगे तो वेस्टर्न साइड में अरावली रेंज है. अरावली रेंज के बाद बुंदेलखंड है, कैमूर, हजारीबाग है, राजमहल है, उसके बाद मालवा प्लेटू दिखता है, विंध्या रेंज है, बांदर प्लेटू है, बागेलखंड है, छोटा नागपुर है, पारसनाथ है. पहले इस चीज की स्टोरी बनाते हैं. तो यू नो द रूल्स, इमेजिनेशन, इलॉजिकल रीजनिंग एंड द स्टोरी. स्टोरी बनाते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं मालवा प्लेटू से. यहाँ पे जो मालवा लिखा है उसका हम क्या करेंगे, मा और एलवा, माने हलवा बनाया, ऐसा स्टोरी बन सकता है. मालवा माने हलवा बनाया. उसके बाद अगर देखें नाउ ये जो हलवा बनाया किस चीज का बनाया, तो बुंदेलखंड लिखा हुआ है तो बूंदी का हलवा बनाया, ऐसा ले सकते हैं. जैसे हलवा गाजर का भी बनता है, सूजी का भी बनता है, लेकिन यहाँ पे बुंदेलखंड याद रखना है, बूंदी का हलवा बनाया. नाउ खुद तो खाएंगे नहीं क्योंकि बूंदी बहुत ही मीठी होती है, तो हमने सोचा ठीक है किसको खिला दे, तो कैमूर ही यहाँ पे मोर को खिला देते हैं, काले मोर को खिला देते हैं, कैमूर हिल. तो स्टोरी बनती है, स्टोरी आगे बढ़ती है. ठीक है, अब बाग में गए खिलाने के लिए, वहां पे हजारों मोर आ गए खाने के लिए, और उसके बाद आपको पकड़ के उनके राजमहल में ले गए. ऐसे करके पूरी स्टोरी बन सकती है. तो सीधा देखिए तो माने हलवा बनाया, बूंदी का हलवा बनाया, कैमूर, हजारीबाग, राजमहल. आगे बढ़ते हैं, माने हलवा बनाया ना, विंध्या रेंज है, खाओगे तो विद्या मिलेगी, विंध्या रेंज. तो इसीलिए आपने भंडारा लगाया, भंडेर प्लेटू, भंडारा में लोगों को खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, तो यहाँ पे हलवा खिलाना है. जैसे ही लोगों को पता चला कि इस हलवे में तो विद्या है, लोग बागेलखंड है उसका भागेल कर देते हैं, लोग भागने लगे हलवा लेके, ताकि भाग के दूर जाके कहीं पे बैठ के आराम से खाए. रास्ते में उन्हें छोटू मिला, छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर छोटू मिला, और उसने सारा हलवा ले लिया. छोटा नाग मिला मतलब सांप मिला, और फिर उसने ही पूरा खा लिया, तो वो बन गया पारस का मोती, बन गया पारसनाथ. फिर से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, माने हलवा बनाया, खाओगे तो विद्या मिलेगी. आगे बढ़ते हैं, टी निकाल दो तो सांप हो जाएगा, सांप ने ले लिया, पूरा हलवा ले लिया. सतपुरा रेंज, सात पहाड़ी जो थी उसको मिला दिया तो सतपुरा बन गया, लेकिन याद करने के लिए सांप ने पूरा ले लिया, ये ले लेते हैं. उसके बाद वो सांप कौन था, तो यहाँ पे राजपिपला है, राजा था पीपल के पेड़ के ऊपर बैठने वाला, राजपिपला हो गया. उसने सोचा ठीक है मैं हलवा खाता हूँ, कहाँ जाके खाऊंगा, अपने गांव में जो मेरा घर है वहां पे जाके खाऊंगा. गाविलगढ़ हो गया, अपने गांव गया, घर में गया, वहां पे बैठा, बैतूल हो गया, कहाँ बैठा, महादेव जी के गले में बैठा. ऐसे हम पूरी स्टोरी बना सकते हैं, महादेव जी के गले में बैठा, और उसके बाद उसने अपने हाथ में हलवा लिया, यहाँ पे मैं काला है. उसके बाद वो बोला मैं काला हूं, हलवा खाऊंगा तो गोरा हो जाऊंगा. उसके बाद किसी की आवाज आई, किसकी, राम जी की आवाज आई, भगवान रामचंद्र की, और वो बोले ये मेरा घर है, रामगढ़, मेरे घर में बैठे हो, तुम्हें हलवा खाना है तो क्या करो, घर जा, अपने घर जा और वहां जाके खा, ऐसा बोला. तो यहाँ पे सीधा आते हैं वापस, पूरी स्टोरी को वापस पूरा करते हैं. माने हलवा बनाया, नहीं खाओगे तो विद्या मिलेगी, सांप ने पूरा ले लिया. नीचे आते हैं, फिर सांप भागने लगा, गांव में जाना है, भागते 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 आगे बढ़ रहा था, अजंता स्कूटर के ऊपर बैठ गया, स्कूटर चलाने लगा, और वही सांप आगे बढ़ के स्कूटर पे जाते. इलॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी होता है. स्कूटर पे बैठे बैठे बहुत, पहला माला चढ़ा, दूसरा माला चढ़ा, सत माला है, सातवें माले पे पहुंच गया, सात माला चढ़ा और टेरेस पे पहुंचा, और वहां बैठ के खाने ही वाला था, उसने क्या देखा, एक बालक है जो घाट के ऊपर बैठा हुआ था. बालाघाट, घाट क्या होता है, स्मशान घाट होता है, जहां पे लोगों को लाके जलाते हैं. तो बालक वहां पे क्यों बैठा है, बहुत रो रहा था. उससे पूछा क्यों रो रहा है, उसने बोला मेरा नाम हरिश्चंद्र है इसलिए रो रहा हूं. उसने बोला तो रोना ही चाहिए. उसके बाद अगर देखा जाए हरिश्चंद्र की बात, उसे पूछा ठीक है नाम है तो क्यों रो रहा है, तो उसने बोला देखो ना मेरे बाबा ने मुझे बदन पे बहुत मारा, इतना मारा कि मुझे रोना आ रहा है. उसने पूछा क्यों मारा, तो उसने क्या बोला कि मुझे कांटों से, बेंगलोर है
काटो से मारा, क्यों मारा? क्योंकि उसने बंगला हार गया, जुए में बंगला हार गया इसलिए मारा, बेंगलोर प्ले टू, ठीक है। तो क्यों मतलब बंगला हार गया तो इसका मतलब है कि इतना रोना सही थोड़ी है, अब क्या करोगे? तो उसने बोला यहाँ पे तेलंगाना है, उसने क्या बोला, तेल लगाऊंगा और उसके बाद गाना गाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे बस्तर है, दंड करनिया है, उसके बाद बिस्तर पे सो जाऊंगा और उसके बाद अपने आप को दंड दूंगा। सो यहां से बन गया बाबा बुदन, कर्नाटक, बेंगलुरु, तेलंगाना, बस्तर और दंडकारण्य। उस बंगले में मुझे लोग क्या बोलते थे, तो यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार है, यहाँ पे मुझे लोग सरकार बोलते थे, अब तो बोलेंगे नहीं, उससे तो अच्छा है दंड दे के मर जाना ही अच्छा है। तो ये हो गई आपकी ऊपर की स्टोरी। नीचे के पार्ट में आते हैं, अगर नीचे आते हैं तो ये जो वेस्टर्न घाट है और ये जो ईस्टर्न घाट है, सह्याद्री और ईस्टर्न घाट दोनों का मिलने को जो जगह है उस जगह को बोला जाता है, जो पहाड़ी है उसे नीलगिरी बोला जाता है। So it is a place where every hill is merging. Now नीलगिरी की कहानी अगर बनाए तो कैसी बनेगी, नीली नीली पहाड़ी, उसमें से कोई गिरना चाहती है, कोई लड़की है नीली पहाड़ी के ऊपर जाके गिरना चाहती है, नीलगिरी। क्यों गिरना चाहती है? क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही है। उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसके घर में सब लोग बहुत ही घमंडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम खत्म होता है, तो हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो है याद करने का जो मेमोराइजेशन मेथड है नेक्स्ट पार्ट को, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।